तो हेलो दोस्तों, आज है मेरा ट्रेनिंग का सेकंड डे और आज हम मुझे करनी है पोज बेंच प्रेस। तो चलिए जल्दी से चलते हैं जिम के लिए। और प्री रिकॉर्ड मील में अक्सर क्या होता है, मैं ये चीज़ बता दूँ आपको कि प्री रिकॉर्ड मील ना लोग इसे लिक्विड मील ले लेते हैं बहुत सी बार कि कम टाइम है। तो देखो, लिक्विड मील ना आपको जल्दी एनर्जी भी देगी पर जल्दी उसकी एनर्जी चले भी आएगी। और आपको वर्कआउट मतलब लंबा करना है तो आप मतलब 2.5 से 3 घंटे पहले एक मील कंज्यूम करो। उसमें प्रोटीन और कार्ब्स होना चाहिए, फैट नहीं होना चाहिए क्योंकि फैट की डाइजेशन थोड़ी स्लो होती है, तो आपको जिम के टाइम में ब्लोटिंग फील होगा। तो जिम से पहले एक सॉलिड मील कंज्यूम करो, इससे आपको लंबे टाइम तक एनर्जी मिलेगी और आपकी बॉडी जल्दी से ड्रेन नहीं होगी ना एनर्जी लूज करेगी। तो मैं ये बना रहा हूँ सोया पनीर, मैं घर पे सोया पनीर बनाता हूँ। और इसका पहले दूध निकालता हूँ, थोड़ा दूध रख भी लेता हूँ रात को पीने के लिए। दूध को ऐसे बॉईल करा थोड़ा मीडियम हीट पे, फिर इसमें आप ना निगारी सॉल्ट कर सकते हो। तो निगारी सॉल्ट ऐसे आपको ऑनलाइन मिलेगा, जल्दी से कहीं मिलेगा नहीं, तो उसमें आप उसकी जगह ना लेमन भी कर सकते हो, तो उससे दूध फट जाएगा। तो ये जो निकला है ये अब सब पनीर है, तो आपका टोफू पनीर बन गया अभी। तो जिम में एंटर हो चुका हूँ मैं, अब पहले वार्म अप करेंगे और उसके बाद वर्कआउट करना स्टार्ट करेंगे। तो आज करना है पोज बेंच प्रेस। तो वो हो चुका है, अब पोज बेंच प्रेस करना है। 112 kg से लगाना था 5 रेपिटेशन पर, मेरे जिम में 1 किलो की प्लेट है नहीं, तो मैं 115 किलो से लगाऊंगा 5 रेपिटेशन और उसके 2 सेट हैं। Yeah.
तो पोस्ट बेंच प्रेस हो गया कंप्लीट, अब इंक्लाइन पे करेंगे डंबल प्रेस। तो ये है मेरी पोस्ट वर्कआउट मील, इसमें पनीर है और इसे राजमा का पेस्ट है और कुछ वेजीज हैं। तो ये बरीटो है।